आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एकदम हलवाई के जैसी इमरती हम लोग घर पर कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक की आवश्यकता है और वो ट्रिक मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता दूंगी। तो दोस्तों, एक बार आप लोग इसे ट्राई अवश्य करें। आई होप ये आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आएगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसमें ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपा और वेलकम है आप लोगों का चैनल दीपा देवसेवा। तो दोस्तों, इमरती के लिए हमें उड़द की दाल चाहिए होती है, धुली हुई उड़द की दाल। तो मैंने पहले इसे अच्छे से 5-6 बार वॉश कर लिया था और फिर इसे भिगो दिया 2 से 3 घंटे के लिए और ये हमारी दाल भीग चुकी है। अब इसे एक मिक्सी के जार में डालना है और इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर हमें तैयार कर लेना है। और इसका पेस्ट बनाते टाइम इसमें पानी कम से कम यूज करना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। जब तक दाल पिसती है तब तक चलिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाशनी के लिए फ़िलहाल 300 ग्राम मैंने चीनी ली है और इसमें मैंने 150 ग्राम पानी डाला है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी भीगी हुई केसर की पत्तियाँ ताकि इसमें कलर अच्छा आ जाए। आप चाहो तो इसमें कोई फूड कलर भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो या फिर कोई भी एसेंस डाल सकते हो। वैसे तो मैंने 500 ग्राम दाल ली है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर 600 ग्राम चीनी लेनी थी और इसमें 300 ग्राम पानी डालना था। क्योंकि मेरे पास पहले चाशनी पड़ी है इसलिए मैं थोड़ी चाशनी बनाकर तैयार करूंगी। तो हमें इसकी कोई तार नहीं बनानी, आप एक बूंद कटोरी में चाशनी डालेंगे तो ये बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आनी चाहिए। इस तरह की हमें ये गाढ़ी चाशनी बनाकर तैयार करनी है, यानी कि चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। तो अब ये हमारी चाशनी बन चुकी है और मैंने दाल भी पीस ली है। तो ये देखिए, मैंने कम से कम पानी डालकर दाल पीसी है। तो मैं इसे चम्मच में उठाकर जैसे उल्टा कर रही हूँ चम्मच को, तो ये चम्मच के ऊपर चिपकी हुई है, नीचे नहीं गिर रही। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। कलर आप इसमें येलो, ऑरेंज जो मर्जी डाल सकते हो और बगैर कलर के भी बना सकते हो। कलर डालने के बाद में हमें इसकी मथाई करनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को खास ध्यान देना है कि इसकी हमें मथाई करनी है और एक ही साइड में इसकी मथाई करनी है और इसकी मथाई करेंगे लगातार 10 से 15 मिनट तक। हमें इसकी तब तक मथाई करनी है जब तक ये एकदम क्रीम फॉर्म में नहीं आ जाती, यानी कि ये जो हमारी दाल है ये और भी ज़्यादा फूल जाएगी। तो हम लोग इसकी जितनी ज़्यादा मथाई करेंगे इमरती उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो ये दाल की मथाई हो चुकी है, अब चेक करते हैं कि ये इमरती के लिए तैयार है या नहीं। तो इसके लिए हमें एक कटोरी में पानी डालना है और पानी के अंदर हम लोग थोड़ी सी ये फेंटी हुई दाल डाल देंगे। तो ये देखिए, ये जो दाल है ये पानी में नीचे नहीं बैठी, यानी कि पानी के ऊपर ही है। तो इस तरीके से अगर आपकी दाल पानी के ऊपर रहती है तो आपकी दाल इमरती के लिए तैयार है। अब एक गिलास लेना है और इसमें रखेंगे हम लोग एक पाइपिंग बैग, और इस पाइपिंग बैग के अंदर हम लोग ये दाल वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे एक साइड में इकट्ठा करके इस तरह से इसे ऊपर से फोल्ड कर लेना है, यानी कि इसे टाइट कर लेना है ऊपर से। और अब मैंने कढ़ाई में घी को गर्म कर लिया है, तो आप लोग चाहो तो इसे ऑयल में भी निकाल सकते हो या फिर घी में भी निकाल सकते हो। अब जब हम लोग घी के अंदर इमरती निकालनी शुरू करते हैं तब घी का टेम्परेचर कम होना चाहिए और गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए, वरना आपकी इमरती आगे आगे भागेगी और आप पीछे पीछे भागेंगे। तो हमें यहाँ पर कोई पकड़म पकड़ाई तो खेलनी है नहीं, तो इसलिए घी का टेम्परेचर कम रखेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। और एक बार इमरती निकाल देते हैं उसके बाद में आप अपने गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हो। और घी भी हमें कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, और अगर शुरू शुरू में आपसे शेप ये सही नहीं आ पाती तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये कौन सी बेचनी होती है, खुद को घर पर ही खानी होती है। अगर इसमें ये शेप ऊपर नीचे हो भी जाती है तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए। और जैसे ही हमें लगे कि ये ऊपर से भी पक चुकी है तभी इनकी साइड चेंज करेंगे। अगर गीले में साइड चेंज कर देते हैं तब भी इनकी शेप ख़राब हो सकती है। तो अब ऐसे उलट पुलट करते हुए इन्हें मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। तो ये मर्ती काफ़ी अच्छे से पक चुकी है, और चलिए अभी इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। और आप लोग इसे अधकच्चा भी फ्राई कर सकते हैं। अधकच्चा फ्राई करने के बाद में जब भी आपको क्रिस्पी ये मर्ती खानी है आप इसे दोबारा से फ्राई कीजिए, चाशनी में डालिए और वैसे भी खा सकते हैं। तो ये बातों बातों में हमने सारी मर्ती फ्राई कर ली है, चलिए इन्हें कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और बाद में फिर इन्हें चाशनी में डालते हैं।
तो अब जब चाशनी में इमरती डालेंगे तो चाशनी भी हल्की गर्म होनी चाहिए और इमरती भी हल्की गर्म होनी चाहिए। और ये देखिए, जैसे ही मैं इनको चाशनी में डाल रही हूँ तो ये चाशनी के ऊपर ही तैर रही है, इसके नीचे नहीं बैठी। अगर आपकी इमरती चाशनी में डालते ही नीचे बैठ जाती है चाशनी में, तो समझ लीजिए आपकी इमरती अंदर से हार्ड बनी है, सॉफ्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो हमारी इमरती है जो वो एकदम सॉफ्ट और क्रंची बनकर तैयार हुई है। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए चाशनी में रखेंगे। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा रस वाली इमरती खानी है तो आप इसे काफ़ी देर तक चाशनी के अंदर रखा रहने दें। और अगर आप लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी देर चाशनी में डालते ही इमरती को निकाल लीजिए, तो इससे ये कम मीठी तैयार होगी। अगर आपको पूरी रसीली इमरती चाहिए, फुल रस से भरी हुई, तब तो आपको इसे कम से कम आधा पौना घंटा चाशनी में रखे रहने देना होगा। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे कम मीठी पसंद है तो मैं थोड़ी देर में ही इसे निकाल लूँगी कढ़ाई में से। तो ये देखिए, एक बार इसे झरनी में इस तरीके से निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो सारी की सारी साइड में निकल जाए। तो दोस्तों, हमारी इमरती बिल्कुल तैयार है। आप लोगों को आज की इमरती की रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब भी फीडबैक देते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। ओके, अब मैं चलती हूँ। आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।